So hey, what's up guys, welcome back to our channel. So this is our officially first video of this series. इससे previous one video में यार हमने series के बारे में थोड़ा सा discuss करा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी technology का use करके हम website बनाना सीखेंगे. So मैं recommend करता हूँ यार आप पहले previous वाली video को check out करो, then आज के topic पे आते हैं. आज भी यार मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा code editor हम use करेंगे and basic एक website कैसे behave करती है, उसका एक nature कैसे CSS, HTML and JavaScript परफॉर्म कर रही है एक सर्वर पे, एक वेब ब्राउजर पे. सो आते हैं यार अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ कि कैसे हमारी एक वेबसाइट वर्क करती है. हाउ वेबसाइट वर्क्स, ठीक है. इमेजेस के थ्रू यार मैं आपको बताऊंगा कि एक बेसिक वेबसाइट कैसे वर्क करती है, एक वेबसाइट कैसे वर्क करती है. जैसे कि आप एक यूजर हो, आपने किसी ब्राउजर पे क्रोम ले लो, आप फायरफॉक्स, मोजिला, किसी पे भी आपने कुछ यूआरएल टाइप किया, जैसे www.pointersoft.in, www.facebook.in, facebook.com, कुछ भी यार आपने ब्राउजर पे टाइप किया. ब्राउजर देखेगा यार DNS सर्वर पे जो आपका डोमेन है उसकी IP को मैच करेगा कि वो सर्वर पे अवेलेबल है वो वाला डेटा या नहीं. अगर सर्वर पे वो चीज अवेलेबल है देन आपको वो फ्रंट एंड पे दिख जाएगी उसका इंटरफेस की वेबसाइट कैसी है. जैसे यार आप नॉर्मली एक एग्जांपल लेके चलो, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपको कुछ चीज मंगवानी है तो आप वेटर को बोलते हो कि वेटर मेरे को ये चीज ऑर्डर करनी है. देन वेटर आपका चेक करता है अपने किचन में कि ये वाली चीज एलिमेंट हमारा अवेलेबल है या नहीं. अगर अवेलेबल है तो वो आपको सर्व करता है, अगर नहीं तो वो 404 दे देता है, 404 यार नॉट फाउंड, ठीक है. तो एक नॉर्मल वेबसाइट का ये रहता है एक यूजर ब्राउजर पे सर्च करता है, सर्च करने के बाद वो DNS सर्वर पे IP को मैच करता है कि ये वाली IP हमारे सर्वर पे अवेलेबल है या नहीं. अगर अवेलेबल है तो वो हमारा फ्रंट एंड पे हमें दिख जाता है. सो इतना सा काम होता है यार एक वेबसाइट का सर्वर से और एक फ्रंट एंड पे इंटरफेस को रिफ्लेक्ट, इतने सी चीज कर लेती है और ये इतने मिली सेकेंड में परफॉर्म हो रहा होता है. हमें ऐसे पता नहीं चलता कि कब DNS सर्वर ने IP को रिक्वेस्ट भेजी एंड चेक किया कि ये वाला जो डोमेन है इसकी IP एड्रेस मैच कर रही है, क्या चीज़ है वो. हम कुछ भी हमें आइडिया नहीं होता कि बैकएंड में क्या प्रोसेस चल रहा है. बस हमने जैसे क्रोम पे हमने टाइप किया www.pointersoft.in तो डायरेक्ट हमें अगर सर्वर पे वो चीज़ अवेलेबल है तो हमें दिख जाती है वो. सो ये तो रहा हमारा वेबसाइट का. अब बात करते हैं यार हम कौन सा कोड एडिटर यहाँ पे यूज़ करेंगे. विजुअल स्टूडियो कोड यार हम यूज़ करने वाले हैं. 70% ऑफ डेवलपर VS कोड को ही प्रेफर करते हैं. सो हम भी VS कोड से ही कोडिंग कर रहे होंगे. सो यार विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करने के लिए हम क्रोम पे एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड एंड जो हमें फर्स्ट लिंक दिख रहा है उस पर आप क्लिक करोगे एंड डाउनलोड फॉर विंडो. सो यार यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडो मैक आप यूज कर रहे हो, आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हुए यहाँ पे डाउनलोड कर लो. एंड मैं यहाँ पे हिस्ट्री में चेक करूंगा यार हमारा डाउनलोड हुआ या नहीं. देखो यहाँ पे शो इन फोल्डर करेंगे हम एंड ये हमारा यहाँ पे अवेलेबल है, इसको हम नॉर्मली इंस्टॉल कर लेंगे. यहाँ पे यार इसको जो एग्रीमेंट दे के रखा है इन्होंने, आप एग्रीमेंट को रीड कर लो. मैंने पहले रीड कर चुका हूँ मैं इसको, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट पे. यहाँ पे यार इस पे टिक कर लेना क्रिएटेड डेस्कटॉप आइकन, इससे जो डेस्कटॉप पे आपका VS कोड का आइकन है वो आपको दिख जाएगा. तो इसको आप नेक्स्ट करोगे एंड इंस्टॉल करोगे. कुछ टाइम लेगा यार हमारा इंस्टॉल होने में, डिपेंड करता है आपका सिस्टम का प्रोसेसर कैसा है. यहाँ पे फिनिश हो गया एंड ये हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे इसका जो लेआउट है VS कोड का ऐसा रहेगा यार. यहाँ पे आप अगर चेक करोगे इस वाले टैब पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे हम फोल्डर फाइल अपने क्रिएट कर रहे होंगे. सर्च करने पे यार जो भी आपने, जैसे मैं यहाँ पे कोई फाइल ओपन कर लेता हूँ अभी डेमो के लिए. जैसे हमने ARR फाइल यहाँ पे जो हमने बना के रखी है उसको हमने ओपन किया. जैसे हमें कोई एरे को चेक करना है कि एरे हमारे जो फाइल है वहाँ पे एग्जिस्ट करता है या नहीं, इसको कॉपी किया यानी यहाँ पे हम पेस्ट करें एंड ये देखो यार जितने भी फाइल में एरे हमारा अवेलेबल है वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा कि इतनी जगह पे अवेलेबल है. यहाँ पे हम यार जो भी गिट यूज करते हैं हम, गिट हब, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है. नॉर्मली इस पे आप जाओगे तो यहाँ पे हमारा एक्सटेंशन है यार. एक्सटेंशन के बारे में मैं आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा एक्सटेंशन हम यूज करने वाले हैं इस सीरीज में. अभी यार आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें क्या जरूरी है VS कोड पे ही काम करेंगे. नहीं यार, आप एक नोट सिंपल नोट पैड पे भी काम कर सकते हो. तो उसके लिए यार मैं आपको पहले नोट पैड पे बता देता हूँ कि नोट पैड पे आप कैसे काम करोगे एंड फिर मैं आपको बताऊंगा कि VS कोड और नोट पैड में क्या डिफरेंस है, क्यों हमें VS कोड को
यूज करना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं नॉर्मल अपना नोट पैड ओपन कर लेता हूँ। नोट पैड पे यार देखो हमें HTML स्ट्रक्चर लिखना है, तो हमें पूरा देखो HTML, यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि HTML कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हमें HTML टैग लिखना होता है। अब HTML का ऐसा है यार, अगर आपने टैग को ओपन किया तो उसको क्लोजिंग भी करना होता है, तो क्लोजिंग अपना स्लैश से क्लोज कर सकते हैं इसको, ठीक है। HTML के अंदर यार हमारा आता है हेड, हेड को भी जैसे हमने ओपन किया तो इसको क्लोज करना पड़ेगा। अब हेड के अंदर यार हमारा रहता है टाइटल, सेम टाइटल जैसे हमने ओपन किया तो इसको क्लोज तो करना पड़ेगा। देन टाइटल के बाद यार जो हेड हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। बट जो HTML है, HTML अभी हमारा ओपन एंड यहाँ पे हमारा ये क्लोज हो रखा है, ठीक है। तो हेड के जस्ट नीचे हमारा बॉडी पार्ट स्टार्ट होता है, एंड बॉडी के अंदर यार हमारा जो भी हम वेबसाइट में किसी भी वेबसाइट में स्ट्रक्चर देखते हैं वो बॉडी में रहते हैं हमारा। तो बॉडी के अंदर हमारा जो भी H1 टैग है, जो भी बॉक्सेज हम वेबसाइट में यूज कर रहे हैं, वो सारा कुछ हमारा बॉडी में रहता है। हेड पार्ट में यार हमारा जो वेबसाइट का टाइटल है, जैसे कि हम अभी अपनी फर्स्ट वेबसाइट बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे माई फर्स्ट वेबसाइट ये टाइप कर लेते हैं, ये हमारा टाइटल हो गया अपने इस प्रोग्राम का। एंड जैसे बॉडी में यार मेरे को कुछ H1 टैग में मैं आपको बता देता हूँ। H1 टैग जैसे मैंने ओपन किया, वेलकम टू फर्स्ट वेबसाइट, एंड जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम ओपन करते हैं किसी टैग को तो हमें क्लोज भी करना पड़ता है, तो यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा H1 टैग है वो उसका काम खत्म हो गया। टैग के बारे में यार हम अगली वीडियो में बात कर रहे होंगे, अभी टैग के बारे में उतना आप मत ध्यान दो कि टैग क्या है, कैसे हम इसको यूज करेंगे। जैसे पी टैग में हम कुछ ले लेंगे, हे हमने कर दिखाया, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जो आपको मन करता है अपना लिखो। इसको सेव करेंगे यार हम नॉर्मल अपना डेस्कटॉप पे सेव कर देंगे, एंड यहाँ पे लिखेंगे हम FIRST फर्स्ट वेब डॉट HTML। जो आपको यार सेव करनी है अपनी फाइल, वो आपको डॉट HTML से ही सेव करनी है, ये आप ध्यान रख, ठीक है। आपने नॉर्मली सेव कर दी, एंड हम अपने डेस्कटॉप पे जाएंगे। डेस्कटॉप पे यार देखो हमारी जो ये फर्स्ट वेब वो यहाँ पे हमें दिख रही है। फर्स्ट वेब को हम ओपन करेंगे, अभी देखो ये हमारी जो माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर है यार एक्सप्लोर, उस पर दिख रही है। अगर हमें इसको क्रोम पे ओपन करना है तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे इस पर, एंड ओपन विद पे करेंगे, एंड क्रोम पे। तो देखो यहाँ पे ये हमारी क्रोम पे ओपन हो गया, जैसे यहाँ पे हमने VS Code को इंस्टॉल किया था उसी पे हमारी ये वेलकम टू फर्स्ट वेबसाइट। तो यार कॉन्ग्रेचुलेशन यार गाइस, आपने अपने लाइफ की फर्स्ट वेबसाइट डिजाइन कर ली है। ये ही रहता है, देखो ये वाले कोड हमने नॉर्मली एक नोट पैड के हेल्प से बनाया है, ठीक है। अब आप चाहते हो यार कि चलो नोट पैड से हमारा काम हो रहा है तो हमें विजुअल स्टूडियो से कोड एडिटर की क्या नीड पड़ गई। देखो गाइज हमें कितना ज़्यादा लिखना पड़ा यार, यहाँ पे हमें एक एक चीज़ को पूरा लिखना पड़ा कि HTML, फिर उसको क्लोज करना पड़ा, देन हेड को क्लोज करना पड़ा, फिर उसके अंदर टाइटल को क्लोज करना पड़ा। यार देखो कोड एडिटर अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं नॉर्मल प्रेस करूँगा, एंड ये देखो पूरा स्ट्रक्चर यार अपने आप बना हुआ आ गया, ठीक है। अब जैसे हमारे यार यहाँ पे इंटर्न के लिए भी आते हैं बच्चे, कुछ सीखते हैं नई चीज़ें, या तो वो आते हैं तो वो ऐसे कर रहे होते हैं यार कोडिंग HTML, ठीक है। अब देखो अब आपने यहाँ पे गाइस नोटिस किया होगा कि जैसे मैंने HTML लिखा तो यहाँ पे ये HTML, जैसे मैंने बंद किया ऑटोमेटिक ये क्लोज अपने आप हो गया, बट ये नोट पैड पर नहीं हो रहा था। फिर HTML के बाद हम लिखेंगे हेड, जो कि एक जो बिगनर होता है वो लिखते हैं ऐसे। अब देखो अगर आप एडवांस लेवल पे जाना चाहते हो यार, आप शिफ्ट प्रेस करो एंड वन प्रेस करो, एंड कंट्रोल स्पेस प्रेस करके आप एंटर करोगे, ठीक है। तो इससे आपका जो स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ पे HTML आ गया, HTML के अंदर हमारा हेड है, हेड के अंदर हमारा टाइटल है। जो ये चीज़ है यार मैटा, इसको हम अभी के लिए इग्नोर करते हैं, ठीक है, इसको हम इग्नोर कर रहे हैं अभी। सो ये डॉक्यूमेंट है, इसको हम अपना नाम दे देते हैं भाई, माई फर्स्ट वेबसाइट। एंड बॉडी के अंदर यार हमारा वही नॉर्मल H1 H2 जो भी हमारा बॉडी पार्ट रहता है वो बॉडी के अंदर हम शो कर रहे होंगे। तो ये हमने कर दिखाया, एंड बॉडी के बाद यार आप पी टैग में कुछ भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे LoRAM 50, इसको यार मैं बताऊंगा कि LoRAM 50 यूज करने से क्या होगा। ये जैसे देखो यहाँ पे इतना बड़ा ये दिख रहा था, ये कैसे कंट्रोल हुआ, ये सारी बातें हम आने वाली वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। अभी के लिए यार आप बेसिक समझ लो कि हमारी जो वेबसाइट है वो काम कैसे करती है। एंड यहाँ पे मैं आपको इमेज के थ्रू यार एक बता देता हूँ कि एक नॉर्मल जो HTML का लेआउट रहता है वो कैसा होता है, HTML बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है।
सो इमेज के थ्रू यार मैं आपको बता रहा हूँ कि HTML का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे HTML की एक स्ट्रक्चर आ गया। HTML हमारे यार पेरेंट है। HTML के अंदर हमारे दो टैग है, हेड एंड बॉडी। हेड यार क्लोज हो जाता है, टाइटल ये लेता है, टाइटल के बाद ये क्लोज हो जाता है। हेड में यार अपना CSS हम यूज कर रहे होंगे, या जो जैसे हम SEO करते हैं तो जो मेटा डिस्क्रिप्शन मेटा कीवर्ड वाला पार्ट है वो हमारा हेड में रहता है। एंड टाइटल देन हेड का पार्ट यहाँ पे खत्म होगा। एंड देन बॉडी, बॉडी के अंदर हमारा जो भी स्ट्रक्चर होता है, जो भी हमारी वेबसाइट की बॉडी है, वो बॉडी के अंदर हमारी कवर हो रही होती। सो अभी यार आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया यहाँ पे मैंने ये पूरा देख लिया कि हे हमने कर दिखाया एंड लॉरेम में ये पी टैग है, इसको आप हमें लाइव दिखा दो कि कहाँ पे ये देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं गो लाइव पे क्लिक करूंगा। एंड यार आने वाली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि गो लाइव क्या है, कैसे इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, ये देखो ये हमने कर दिखाया एंड जो ये वाली जो चीज़ है पी टैग में, वो सारा कुछ हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। एंड बट आपके माइंड में अभी क्वेश्चन आ रहा है, जो ये हेड में हमने माई फर्स्ट वेबसाइट लिखा है, ये कहाँ पे आ रहा है? देखो यहाँ पे तो आपको नॉर्मली ये नहीं दिख रहा है, बट अगर आप ऊपर चेक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो माई फर्स्ट वेबसाइट, यहाँ पे ये हमारा रहता है। तो ये हेड में रहता है, मतलब टॉप ऑफ द जो हमारी वेबसाइट है उसके टॉप में रहता है। तो जैसे यहाँ पे यार हम आने वाली वीडियो में CSS यूज कर रहे होंगे, अपना कुछ मेटा डिस्क्रिप्शन मेटा कीवर्ड के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि कैसे हम यूज करते हैं उनको, तो वो वाला पार्ट यार हमें वेबसाइट पे नहीं दिखता है, बट वो हेड पार्ट में रहता है। जैसे हमारा जो अपना क्रोम है यार, वो ऐसे रीड करता है अपनी अपनी वेबसाइट को अपने उसको, कि जैसे वो हेड वाला देखेगा कि पहले हेड में अपना क्या कवर कर रहे हैं, हेड के बाद वो देखेगा H1 टैग में हमने क्या लिख रखा है, फिर H2 H3 फिर ऐसे ऐसे पूरे उसको रीड करता है। तो वो भी हम यार बाद में डिस्कस करेंगे, अभी ये वाला टॉपिक नहीं है। अभी आप बेसिक सा स्ट्रक्चर समझ लो कि ये वाला हमारा रहता है जिसमें हम कोड कर रहे हैं। आई होप इतना सा क्लियर हो गया होगा आपका। सो यार अब बात आती है कि भैया देखो HTML CSS JavaScript इसके बारे में हमें पता तो है, बट ये वेबसाइट में यूज कहाँ होता है? तो मैं आपको एक बेसिक सा यार छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे हम एक कार देखते हैं, ठीक है, एंड ये हमारी कार है, कोई भी कार है, ठीक है। तो इस कार के जो ये स्ट्रक्चर है यार, स्ट्रक्चर मतलब इसको छोड़ दो कि इसकी विंडो ऊपर को है नीचे को है, जो इसका स्ट्रक्चर है वो हमारा HTML है। एंड जो इसमें जैसे यहाँ पे देखो ब्लू कलर की लाइट आ रखी है, जो इसका कलर है, टायर कैसे है, ये पूरा CSS पार्ट है। एंड जो यार JavaScript है वो हमारा, जो इसका इंजन है वो JavaScript है, मतलब वेबसाइट का ब्रेन हमारा JavaScript है। अगर हमारी वेबसाइट में JavaScript नहीं होगी तो वेबसाइट यार कुछ नहीं है, फिर हमारी एक नॉर्मल दिखेगी वो हमारी की एक स्ट्रक्चर एंड उसको हमने स्टाइल कर लिया उतना सही। अगर देखो कार में इंजन नहीं होगा तो हम एक्सीलरेट कुछ नहीं कर सकते, उसमें ब्रेक करेंगे कोई फंक्शनैलिटी उसमें होगी ही नहीं। तो JavaScript हमारे यहाँ पे मेन रोल प्ले कर रहा है। सो आई होप यार गाइज आपको इतना सा मालूम चल गया होगा कि क्यों हम HTML यूज़ करते हैं, क्यों CSS यूज़ करते हैं एंड क्यों हम JavaScript का यूज़ करेंगे वेबसाइट को बनाने के लिए। क्योंकि देखो अगर हमारी वेबसाइट रहेगी, स्ट्रक्चर को हम नॉर्मली HTML से उसको बना लेंगे, बट जो उसको स्टाइल प्रोवाइड करेंगे कौन सा कलर कॉम्बिनेशन कैसे रहेगा वो हम CSS में देखेंगे कैसे रहेगा, और जो फंक्शनैलिटी होगी अपनी वेबसाइट की वो हम JavaScript के थ्रू देखेंगे कि कैसे हम उसमें जान डाल सकते हैं वेबसाइट में, इतना समझ लो आप। सो यार गाइज आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो कि आपको सीरीज कैसी लग रही है एंड क्या क्या हम एड ऑन कर सकते हैं अपनी सीरीज में, और आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक करो यार, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और हम वीडियो रेगुलर लाते रहेंगे। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।